तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया। मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया। बता दें कि दो साल पहले त्रिवेंद्र सरकार के समय चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड अस्तित्व में आया था। तीर्थ पुरोहितों, हक हकूकधारियों के विरोध और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बोर्ड को मुद्दा बनाने से सरकार पर दबाव था। तो वहीं पूर्व सांसद मनोहर कांत ध्यानी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। इस समिति में चारधामों के तीर्थ पुरोहितों को भी शामिल किया गया। अब समिति की अंतिम रिपोर्ट का परीक्षण कर मंत्रिमंडलीय उप समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर भंग करने का फैसला किया।